सेक पै गया रिश्ते नात्यां नूं, टके टके नूं विकण ज़मीर लग पई। भाई साहिबां नूं भजन तो रोकदे नहीं ते कुटण कैदों नूं अज कल हीर लग पई। कैसी समय ने वेखो तस्वीर बदली, जुग मुक गया मूढ़े ते शाबियां दा। लोग दुखी ने भाल दे रब भौरे, ताइयों जलवा है पूरा बाबियां दा। प्रोग्राम साहित्यक तंदा वेख रहे सारे दर्शकों का एस अशोक भौरा वालों निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम आप किताबां दी गल करते हैं, किसी किताब की गल करते हैं, पर अज मैं किताब की गल करन तो पहला ये जरूर कहांगा कि कई बारी हालात ये होंदे ने कि घर च आना भी किसी खास मेहमान ने हुंदा, आना भी बड़ी दूरों हुंदा, तैयारी भी सारी कीती हुंदी आ ते बाकी तो सारा कुछ ठीक होंदा, उसे दिन दही नहीं जमदा। अज भी हालात इदा कि जिस किताब की गल करनी सी वो शायर नहीं आ सके तो मैनू ये खाली थां भरने लिए अपनी किताब की गल करन दा मौका मिल गया तो मैं इस समय का सद उपयोग कर रहा। पिंडां दीयां सत्थां दी कहानी सारियां ने सुनी है। ये किताब वक्त बोलता है, जिसनू लोक गीत प्रकाशन चंडीगढ़ ने छापिया। 300 के करीब सफ़िया की ये पुस्तक है तो 495 रुपये की कीमत है। कि किताब च की है हुण तो थोड़े चिर बाद तुहानू सारा पता लग जाएगा, क्योंकि पंजाबी पाठकों की जिहड़ी समस्या है मैं उन्होंने हल करने का जतन जरूर करता रहा कि जिस अंदाज जिस लहजे असीं आम बोलबाणी नूं वरतदे हां, मैं उही बोलबाणी उही शैली इस किताब च वरती है, गुंझलदार नहीं बनाया। पिंडां दीयां सत्थां दी कहानी है। तकरीबन 40 ऐसियां कहानियां ने जिहड़ियां कईयां नूं निबंध लगणगे ते कईयां नूं कहानियां लगणगियां। सत्थ दी गल मैं तां बार-बार कर रहा कि बोर्ड थल्ले ढाणी बैठी सी, 2-3 पढ़े लिखे लोग भी बैठे सी ते वहस चल रही सी कि सब तो महंगा शौक किहड़ा है। कोई घोड़ियां दा शौक दसदा सी, कोई जूआ खेडण दा शौक दसदा सी, कोई इखलाकों गिरे हुए लोगों की गल करता सी, पर गल बन नहीं रही सी। पिछे एक चप्पलां पा के खूंडी के सहारे पैरां भार बंदा बैठा सी, वो कहता बे मेरी गल सुनोगे? वो कहते दसो। कहता सब तो महंगा शौक है चापलूस पालने। कहता चापलूसी जिस बंदे ने कराउणी हुंदी है, कहता उन्होंने चापलूसां दा ख्याल भी बहुत रखना पैंदा, उन्होंने चंगियां चंगियां चीज़ां लिया के देणियां पैंदियां ते उन्हां दे शौक पूरे करने पैंदे ने, मंगां पूरीआं करनियां पैंदियां ने, तां लोकी चापलूसी करदे ने। इस करके चापलूसी कराउणी सब तो महंगा शौक है। सारे हस पे, ताड़ी बजाती ते प्रमाण कर लिया भी सियाणे बंदे दी गल तां सही है। इस पुस्तक च एक कहानी है पिंड दी सत्थ दी कि पिंड दी सत्थ लगी हुई आ, ताश खेडी जा रही आ। एक अमली नवां बंदा जागर आउंदा है ते उहनूं टिचरी सुभाअ च पुछदे ने भी जागरा बड़ा लेट हो गया। वो कहता घर वाली नहाउंदी सी, कहता मैं तां लेट हो गया। कहते तैनूं लेट होना पुछिया ते घर वाली नाल नहाउण दा इहदा की संबंध है? वो कहता तुहानूं कमलिओ की पता पे गरीबां दे घरां च चुल्हा चौंका भी उत्थे ही हुंदा, 4 इट्टां जोड़ के कहंदा फर्श भी उत्थे लाया हुंदा, उत्थे ही नहाउणा हुंदा। कहंदा वो भरावा अंदरों कुंडी ला के नहाउंदी सी। कहंदा मैं लेट हो गया, पहला मैं बूहा खड़काया, वो कहंदी वेट कर ला। कहंदा मैं फिर अद्धा घंटा मूँह चक के देखदा रिहा, मैं फिर कुंडा खड़काया, मैनूं कहंदी हले नहीं मैं बाहर आउणा, हले तां मैं पहला नहाउणा ते नहा के फिर मैं योगा करना। वो कहंदा मेरे तां लगी सत्ती कपड़ी अग पे, मैं आप बड़ा मुश्किल नाल ब्याह कराया, अमली बंदा कहंदा ये कहंदी योगा करना, मैं उन्होंने कहा मैं मर गया, मैं तो योगे दीयां लत्तां तोड़ दूँ, उहदे सिर च मधाणी चीरा पा दूँ, तू किदां योगा करना है ये किहड़ा जोगा आ। वो कहती रामदेव के जोगे की मैं गल करती हाँ। वह कहता रामदेव जिहड़ा ढिड वजाउंदा कहता सुक्या जिहा कहता वह तो ब्याह ही नहीं, उहदे जोगा कित्थों आ गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ नहीं पता लगना ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਅੱਡੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਲੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜੋਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿਲੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਸੁੱਕੀ ਹੋਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜੋਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਗਾ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਜੋਗਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ये योगा करना, योगा कसरत जिन्हों कहते आ। वो कहता मेरा साह तहां चढ़िया सी तां थले आया भी मैं क्या मैं तो बड़ी मुश्किल ना घर बसाया सी, ये किहड़े जोगे की गल करदी आ। पर मैं कहता गुआंढण नूं कहा इहनूं ये मत दे कि खा खा के पली जांदी आ, ये भार घटाउण लई हुण योगा करदी आ। कहता खाना ही थोड़ा घट कर लै ते सारी सत्त जटाणी हस पई ते खिलर गई। छोटिया छोटिया गल्लां ने, ये कहानी इत्थे मुक्की नहीं है। ये कहानी है कि जोगा किसे जोगा भी नहीं रहा। जे तुसी पढ़ोगे बाकी कहानी नूं तुहानूं एक अपनी किस्म दा स्वाद आएगा। ये मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि तुहानूं शैली पक्षों, तुहानूं विषय वस्तु पक्षों, डायलॉग पक्षों ये किताब बहुत चंगी लगेगी। इस किताब दियां दो होर गल्लां मैं तुहाडे नाल करांगा जिहड़ियां सच्ची मुच्ची मैनूं भी बहुत पसंद ने ते तुहानूं भी पसंद आउणगीआं। वक्त बोलदा है, कहंदे ने जदों कोई नहीं बोलदा उदों वक्त बोलदा, जिहनूं सियाणे कहंदे ने तैनूं वक्त सिखाऊगा सारा कुछ। सो इस किताब दा नाम वक्त बोलदा, जिहनूं लोक गीत प्रकाशन ने छापिआ। मिलदे हां ब्रेक तों बाद। ब्रेक तो बाद साहित्यक तंदा वेख रहे सारे दर्शकों का फिर स्वागत है। इस गल फिर माफ़ी चाहवागा कि अपनी जबानों अपनी ही किताब दीयां गल्लां करनियां मैनूं भी औखियां लगदियां, पर प्रवान कर लिओ। कई बारी ये हुंदा कि तुहाडे मूरे खाना बहुत चंगा परोसिया होवे, खाना स्वादला भी बहुत होवे, पर तुहाडे किसी ऐसी जगह ते खाज होण लग पए जिथे हथ ना जांदा होवे, तुहानूं कुछ नहीं चंगा लगदा। सो कईयां नूं खाज करके भी स्वाद आ जाता है तो कईयां नूं कई कुछ करा के भी नहीं स्वाद आता है। इस वक्त बोलदा किताब च पहली कहानी आ, चाहे उहनूं मैं निबंध च कहानियां कहना तो तुसीं उहनूं जिवें मर्जी लै लिओ। ये किताब सच्ची मुच्ची ही जिन्हां नूं लोग रंग पंजाब दे पिंडां दा रंग, सत्थां दीयां गल्लां, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਲਾ ਹੁਣ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। एक फकीर बंदा जिहड़ा पिंड चों गजा करके आ रहा सी ते उहने वेख्या कि पगडंडी जिथों दी ओह लंघ रहा सीगा उत्थे एक बूझे नूं अग लगी हुई है ते उस बूझे दे विच एक सप फसिया होया। ते उस फकीर ने सोचा कि मैनूं ढिड भर के लोकां ने खवाया, पुन्न करदे आ। उहने तूत दी लंबी सारी छेटी लई ते सप जिहड़ा स्प्रिंग वांग इकट्ठा होया सी उहदे च फसाई ते उहनूं जंप दवाता। सप ने छाल मारी ते उस फकीर दे गल च पै गया। सप उहनूं कहंदा मैं तेरे डंग मारना। वो कहंदा यार मैं तेरा भला कीता, तैनूं अग चों कढिया, ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਏ ਜਣੇ ਬਹਿਸ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੇ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਫਕੀਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੋਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦ ਟੱਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਪ ਅੱਗ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੰਗ ਮਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਾ ਪੱਠੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ? ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਤਜੁਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਦੋਈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜਾ ਖੰਘਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਦੋਏ ਬਹੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਰ ਦੇ ਡੰਗ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੋਰ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਟੱਕਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਾਂਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਤੀਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਏ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦਿਖਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਬੂਝੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੂਝੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੂਝੇ 'ਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੂਝੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬੂਝੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੀ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਮ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਕਤ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤਕ ਤੰਦਾਂ। ਸਾਹਿਤਕ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, मतलब परस्त लोगों का, अकिरत घणा का, एहसान फरामोशा का, ठगों का, बेईमाना का एक अजायब घर जिहड़ा वो उसारी बैठा है। भावें कि तस्वीर वो अपनी भी वो लगी हुई है। ये युग जिस तरह का भी है, ये युग तुहानूं चंगा तां लगेगा तुसी आप चंगे बनो। जदों आप चंगे बनोगे ये युग स्वादला हो जाएगा। किताब वक्त बोलता है दी गल कर रहे हैं। ये किताब है जिन्हों लोक गीत प्रकाशन चंडीगढ़ ने छापिया है ते इहदी हर कहानी नाल पेंसिल चित्र जिहड़ा वो भी बाकमाल है। सुरजीत भरा ने बनाया। इहदा टाइटल सुखवंत दा ते कई किताबां वेखण नूं भी सोहणियां लगदियां ते उन्हां दे विच्चों जदों कई कुछ सोहना निकलदा ते होर भी चंगा लगदा। मैं एक कहानी होर तुहाडे नाल साझी करना इस किताब चों। अमरीका वाले सुखे दा विआह। एक अमरीका तो मुंडा, ना तो सुखविंदर सिंह सी ते छोटा ना सुखा सी, धक्के ठेडे खांदा 20 साल की उम्र च बार्डर बूडर लंघदा अमरीका आ गया। तो अमरीका आ गया तो इत्थे कोई सज्जन मित्र टकरिया तो उन्हें किसी स्वीट शॉप ते उन्होंने मिठाइयां की दुकान ते उन्होंने लवाता। चंगी गल सी। उन्हें कहा भी रहना भी फ्री होएगा, तेनों ग्रीन कार्ड भी लै देंगे तो खाना पीना भी फ्री। 2-3 जने मुंडे इदां दे सीगे ते लग गए। 10 साल का समा बीत गया। दूजियां दे तां 2 मुंडियां दे ग्रीन कार्ड आ गए 10 साल बाद, पर सुखे का ग्रीन कार्ड ना आया। उन्होंने दो ने छेड़ना पे सुखिया तेरा विआह नहीं होना, तेरा विआह 40 तो पहला नहीं होना। किते 38वें साल च सुखे का ग्रीन कार्ड आ गया तो उन्हें पता नहीं पूछया, टिकट बुक कराई, आ गया घर नूं। इंडिया चल गया, पंजाब चल गया। जैलदारां दा मुंडा पर इक्को ही गल सी पई हलवाइयां दी दुकान ते काम करदा करके बैठण दा सारा काम हुंदा, ढिड वड्डा हो गया। ते मुंडा अमरीका तो गया सी ते जैलदारां दा मुंडा सी, रिश्ते बड़े आउण लगे ते रिश्ता तय हो गया। ते तय हो गया एक गल होर भी तय हो गई भी पैलस च विआह नहीं करना, पिंड च ही विआह करना। ते ठुक उत्थे बनदा। ते पहले ही सवेरे जैलदारां दी बरात लेट ही चली तो 12-1 बजे बरात पहुँची। अद्धियां कने पहले पीती हुई सी, उत्थे जाके फिर डिग्गियां खोल लियां, पीण पौन लग पे। तो मिलनी होनी सी एक ऐसी जगह ते जिथे 2 पिपल जुड़ते सी ते आले दुआले बनेरे जिहड़े आ जिवें पिंडां दा सुभाव हुंदा। लेडीज़ बैठियां सी ते मिलनी जदों होई तो मिलनी तो बाद किसी ने उपर नूं गोलियां चलातियां, रफलां। उपर लगे सी डूमने ते डूमने भी बिल्ले वो छिड़ गए। हफड़ा दफड़ी मच गई। कोई इधर कोई उधर, बाजे वालियां दे बाजे, किते जिहड़ियां लेडीज़ उपर बैठियां सी बनेरियां तो वह भी भुड़क भुड़क के डिगियां। तो जिन्हों जिधर भी कोई राह लब्बा उधर नूं भज गया। कमाल देखो पे किसी नूं चेता ही नहीं रहा पे की हो गया। किते बापू 2 घंटे बाद मूँह सुजया फुलिया तो वो अपने लागी नूं पुछे पे सुखा कित्थे आ। वो भी बेचारे तो बोल ना होवे, बोल उहदे भी घुट होए होए सी, अखां भी घुट होईयां सी। वो कहंदा जी मैं तां जिथे सुखा जिथे मिलनी हुंदी सी उत्थे ही उहनूं बिठा के उत्ते मिलनी वाला कंबल देता सी। वो बापू कहंदा जून महीना इन्नी गर्मी, वो सुखे दा की बनदा हूँ, चल उहनूं जग वेखिए। जदों सुखा देखिया तो वो कंबल थले ही बैठा। उधर हलवाइयां ने गेट ते मूहरे खड़े हुंदे आ शगन शुगन लैण नूं ते गर्मियां च हलवाई ने धोती लाई हो क्योंकि गर्मी बहुत सी। आम तौर ते हवेली भट्ठियां लगियां हुंदियां ते वो थाल च शगन लैके खड़ा सी। डूमना उधर नूं पै गया। वो जदों हलवाई भज्जिया उहदी धोती गेट च फस गई। इदां बेचारा कच्छे नाल ही वो भज्जा जाता कोई राह टक्करिया नहीं तो मोहरे कुड़ी वाला दे घर जा वड़िया तो डूमना भी वो मगर ही और कुड़ी ने ताज़ा ताज़ा ब्यूटी पार्लर वालियां तो मेकअप कराया सीगा ते डूमना उन्होंने पै गया। डूमना पैंदा बहुत मेकअप नूं ते वो बेअंदर कुड़ी भी जिहड़ी आ उन्होंने भी डूमने ने डंग मार मार के सुजी फुली बनाता। डूमना पिंड च बढ़ गया, पशु खुल गए, डंगर खुल गए, लोगों ने परालियां नूं अग्गां लाइयां होइयां ते किते पिंड दा इक मास्टर आया दोपहर में 2 बजे छुट्टी करके उन्हें आके देखा पिंड च अग्गां ही लगियां होइयां हफड़ा दफड़ी मची होया की आ ते उन्हें देखा भी इत्थे डूमना छिड़ गया। उन्हें पुलिस नूं फोन कर दिता भी मेरे पिंड च तां अग्ग ही लगी हुई है। पुलिस भज्जी आई, हूटर वजदे आउण ते सुखा डेरे की कंध ते कल्ला ही बैठा, वाजे वाले तो है ही नहीं सी ते उधर डीजे वाले चरखे मधानियाँ गड्डी ते लदे वो आ रहे सी ते डूमना कहंदे जदों छिड़दा ते थां भी बदल लैंदा किते उधर नूं जा रहा सी रस्ते 'च झोना लगदा सी। वो कुड़ियाँ डीजे वालियां पानी पी रही सी ते डूमना उन्हां नूं पै गया। वो बेचारियां जिहड़ा कद्दू कीता सी झोना लाउण नूं खेत उहदे 'च वड़ गईयां मूंह ते गारा मल के छुटकारा होया ते जदों वो डेरे आईयां वो कहंदियां प्रोग्राम करा। सुखा कहना प्रोग्राम कित्थे करावां, मेरे तो हाले आनंद कारज कुछ भी नहीं होया ते वो कहंदे असीं तां पैसे लैणे आ। उन्हां नाल 50,000 कीता सी उन्हां नूं दे दित्ता ते उधरों पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने पूछया होया कि वो कहंदे डूमना छिड़ गया। किद्दां छिड़िया, रफलां चलातियां उपरों वेख्या पे रफ असला नजायज़, कहंदे फुफड़ फड़ लै दोए ते बड़ी औखा उन्हां दा समझौता होया ते लावां करके सुखे नूं पिंड नूं जदों तोरिया ते पानी किने वारना सी। माँ दे भी डूमना लड़ चुका सीगा, बराती भी सारे जख्मी सी, बाजे वाले नाल ही है नहीं सी ते जदों पिंड दी लागड़ ने पानी वारिया ते कुड़ी दे मूँह तो घुंड जदों खिसकिया ते कुड़ी दा मूँह भी डूमने नाल सुज्जिया होया, उहदे हत्थ चों पानी दी गड़बी डिग गई। वो कहंदी तूं तां सुखिया कहंदा सी कुड़ी बंग वर्गी आ, इह तां भड़ोले वर्गी आ। ते सुखा अज तक याद करदा कि चंगा हुंदा जे किते 40 साल की उम्र तो पहला बाद ब्याह करा लैंदा, ये भाणा ना वरतदा। इस किताब च इदां दा बहुत कुछ है। सो वक्त बोलदा लई वक्त जरूर कढिओ। इत्थे ही एस अशोक भौरा नूं इजाजत दिओ। अगले हफ्ते फिर गल करांगे किसी नवी पुस्तक दी। फीडबैक दे सकदे हो info@jasbroadcasting.com ते जां भौरा@jasbroadcasting.com ते। मेहरबानी, शुक्रिया।